से 26,000 रुपए उनकी परमानेंट मानदान की डिमांड है सर। उसी के साथ में मेरी विनंती रहेगी सर, आंगनवाड़ी और उसके बाद हमारी आशा वर्कर जो कितने वर्षों से हर गांव में हर घर में जाकर सबकी जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आंगनवाड़ी और आशा बहनों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल पर। तो साथियों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से आंगनवाड़ी बहनें और आशा बहनों के लिए मानदेय से संबंधित, उनके मानदेय बढ़ाने को लेकर संसद में जो सांसद महोदया हैं उन्होंने आप लोगों का मुद्दा उठाया और उन्होंने बात रखी कि जो आशा और आंगनवाड़ी बहनें हैं वो किस तरह से समुदाय में और गाँव में जा जाकर जो गर्भवती माताएं और बच्चे हैं उनके जो विकास के लिए और उनके स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, तो उनको जो मानदेय है वो एक न्यूनतम मानदेय होना चाहिए और उसमें वृद्धि की भी बात की। और साथ ही साथ में उन्होंने ये बात संसद में रखी कि किस उनका जो है कम जो मानदेय वृद्धि भी होनी चाहिए और साथ ही साथ में उनको एक बोनस भी मिलना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और एक बात तो साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि इस तरह की महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय से मिल सके। आइए पूरा वीडियो देखते हैं। साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट आपको समय से मिल सके। थैंक यू सो मच।